वेलकम स्टूडेंट्स, द लास्ट लेसन चैप्टर 1 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हमने आपसे पहला पार्ट पढ़ाया था, तब कहा था कि आपसे इससे रिलेटेड हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, आपको बताएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर ये 3 क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं और इनके आंसर्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपके पास इसको सुरक्षित रख सकते हैं और इन्हें नोट कर लें, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जितना हमने पार्ट पढ़ा है उसी से हमने आपके लिए बनाए हैं। और आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल डेट डे, यानी फ्रेंज को स्कूल के लिए उस दिन किस की तैयारी करनी थी। और आंसर है, फ्रेंज वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स का रूल तैयार करना था, नियम याद करके जाना था। डेट डे, हिज टीचर मिस्टर हेमलेट से डेट ही वुड क्वेश्चन द चिल्ड्रन ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उनके टीचर श्री हेमल ने कहा था कि वो उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे पार्टिसिपल्स पर। दूसरा है, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस डेट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल डेट डे। फ्रेंड जब स्कूल गया तो उसने क्या अनयूजुअल, क्या असामान्य पाया उस दिन? तो इसका आंसर है, एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी सब कुछ रविवार की सुबह जैसा शांत था। हिज क्लासमेट्स एंड द टीचर वर ऑलरेडी इन द क्लास, उसके सहपाठी और अध्यापक कक्षा में पहले से ही थे। देर वॉज नो नॉइस ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क और रिपीटेशन ऑफ लेसन्स इन यूनिसन, यानी जोर जोर से एक स्वर में पाठों को दोहराने की और जो डेस्क थी उनको खोलने बंद होने की आवाज़ शोर भी बिल्कुल नहीं आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड फ्रेंज वांट टू स्पेंड हिज डे बाय रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से भागकर फ्रेंज उसका दिन क्यों व्यतीत करना चाहता था? आंसर है, फ्रेंज हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑफ पार्टिसिपल्स, क्योंकि फ्रेंज ने पार्टिसिपल्स पर उसका पार्ट तैयार नहीं किया था। बिसाइड्स इट ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के छोर पर पक्षियों की चहचहाट से भी आकर्षित हुआ था। और एंड द साइट ऑफ प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, और खुले हुए मैदानों में खेतों में जो कदम ताल प्रशिया के सैनिक कर रहे थे उससे भी वो, उस दृश्य से भी वो आकर्षित हुआ था। और चाहे तो आप एक और बात इसमें ऐड कर सकते हैं, द वेदर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, यानी जो मौसम था वो भी सुहावना था। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि उस दिन का सबसे मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्ट क्या था, जरूर आपको ध्यान आया होगा। और उसके लिए मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्ट था, जो एट द बैक बेंचेज ऑफ द क्लासरूम देयर वर विलेज पीपल, यानी गांव के लोग बैठे हुए थे। अब वहां से आगे, व्हाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, जब मैं इन सब पर आश्चर्य कर रहा था तब श्री हेमल उनकी कुर्सी पर बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, उन्होंने उसी गंभीर स्वर में, आवाज़ में और बड़े ही जेंटल तरीके से, भद्र तरीके से, अच्छे तरीके से कहा कि मेरे बच्चों, मैं आज आपको अपना अंतिम पाठ बताने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात करी, किसी भी स्टूडेंट के लिए कितनी आश्चर्य की बात होगी कि उनका टीचर ये कहे कि दिस इज माय लास्ट लेसन, ये आज मेरा अंतिम पार्ट है। अभी तक फ्रेंज को इस चीज़ का पता नहीं था, ही वॉज अननोन ऑफ द फैक्ट डेट इट वॉज मिस्टर हेमल्स लास्ट लेसन, बट नाउ मिस्टर हेमल सेज डेट माय चिल्ड्रन दिस इज माय लास्ट लेसन, तब उसे ये पता लगा कि ये उनका अंतिम पार्ट है। कब? जब वो क्लास में जाकर बैठ गया तब, ध्यान रखना, तब उसे पता लगा। वहाँ टाउन हॉल पे भीड़ थी, वहाँ क्या था उसको पता नहीं था इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, ये जो लाइन मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ इस लाइन को आप पूरे साल अच्छे से संभाल कर रखना, क्योंकि इसी ऑर्डर की वजह से पूरा चैप्टर बना है। ये जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ इस लाइन को आप विशेष ध्यान से रखना, हर क्वेश्चन का जवाब ये लेकर आएगी कि अंतिम पाठ क्यों था, जो भी हुआ इस लाइन की वजह से। तो ध्यान से देखना, अंडरलाइन कर लेना इसको,
ये है, उन्होंने कहा कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अलसेस एंड लोरेन, कि बर्लिन से आदेश आ गया है कि अलसेक और लोरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, आज के बाद फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। एंड द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नया टीचर कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका भी आज अंतिम पाठ है फ्रेंच का। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ आप सब आज बहुत अटेंटिव रहे, यानी पूरा ध्यान से इस पाठ को पढ़ें। वॉट अ थंडर क्लेप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे लिए थंडर क्लेप यानी बिजली की कड़कड़ाहट के समान मुझे लगे कि आज ये मेरा अंतिम पाठ है फ्रेंच भाषा का। ओ द रिचीज, अरे वो दुष्टों ने, डेट वॉज वॉट दे हेड पुट अप एट द टाउन हॉल, ये चीज उन्होंने टाउन हॉल पर लगाई हुई थी। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनता है कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या सूचना लगी हुई थी, उस समय तो यह लाइन आई नहीं, लेकिन वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सूचना लगी हुई थी, या प्रिंस को जब स्कूल गया तब क्या पता लगा मिस्टर हेमल ने क्यों कहा कि यह उनका अंतिम पाठ था। ऐसे कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और इसका आंसर वही है, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अलसेस एंड लोरेन, ये लाइन विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद में, माय लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ। व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो ये भी नहीं जानता कि लिखा कैसे जाता है, ऐसा उसे दुख महसूस हो रहा है फ्रेंच को। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं बिल्कुल नहीं सीख पाऊंगा क्योंकि आज के बाद तो ये सर भी चले जाएंगे और फ्रेंच की भाषा की पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। तो आई मस्ट स्टॉप हियर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, आज के बाद ये बंद हो जाएगा और मुझे कितना पछतावा था कि मैंने अपने पाठ नहीं सीखे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, में तो पक्षियों के अंडे सीकिंग यानी सर्चिंग तलाशता रहा। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार के खेल पर स्लाइडिंग फिसलता रहा, जो फिसलने वाला खेल है सार का वहाँ पर। माई बुक्स डेट हेड सीम्ड सच अ नॉइसेंस अ व्हाइल अगो, मेरी पुस्तकें जो कुछ समय पहले मुझे नॉइसेंस यानी मुसीबत बेकार की वस्तु नजर आती थी, सो हैवी टू कैरी, जिन्हें ले जाना मुझे बहुत भारी लगता था। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और साधु संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरे पुराने मित्र बन गए। डेट आई कुडंट गिव अप, उन्हें मैं गिव अप नहीं कर सकता, उन्हें छोड़ नहीं सकता था। एंड मिस्टर हेमल टू, और मिस्टर हेमल भी, जिनकी मैंने कभी परवाह नहीं की, लेकिन आज ये मुझे सबसे प्रिय लग रहे हैं। द आइडिया डेट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार मात्र कि वो हमसे हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं मिस्टर हेमल। डेट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट इज जूलर एंड हाउ क्रैंकी वॉज, मुझे ये चीज़ में सब भूल गया कि उनके एक रूलर यानी इतना डंडा उनके पास था और वो कितने कठोर थे क्रैंकी, ये सारी चीज़ें मैं भूल गया। पुअर मैन, बेचारा, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, डेट ही हैड पुट ऑन इज फाइन संडे क्लोथ, इस अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने आज उनके अच्छे संडे क्लोथ रविवार के वस्त्र पहने हुए हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, वाई डिड मिस्टर हेमल पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ, तो याद रखना, इन द ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन मिस्टर हेमल पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, ये ध्यान रखना, सम्मान में उन्होंने ये पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब ये भी क्लियर हो गया कि ये गांव के
बूढ़े लोग कक्षा के पीछे की बेंचेज के ऊपर क्यों बैठे हुए हैं? अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन की गांव के बूढ़े लोग क्यों आए थे? तो क्यों आए थे? इन द ऑनर ऑफ मिस्टर हेमल्स लास्ट लेसन, टू शो देयर रेस्पेक्ट, उनका सम्मान प्रकट करने के लिए, फॉर मिस्टर हेमल्स 40 ईयर्स सर्विस, 40 वर्षों की जो उन्होंने सेवा दी थी, फॉर द पीपल ऑफ अलसेक, ये प्रकट करने के लिए वो वहां आए थे। वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि उन्हें भी दुख था, डेट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो स्कूल नहीं जा सके। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, ये उनका तरीका था उनके मास्टर को सम्मान प्रकट करने के लिए, उनकी फेथफुल यानी वफादारी से भरी हुई 40 सालों की सेवा जो उन्होंने दी। ध्यान रखना, MCQs में पूछा जा सकता है कितने साल तक, 40 वर्षों तक उन्होंने सेवा दी। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री डेट वॉज देयर्स नो मोर, और उस देश के प्रति वो अपना सम्मान प्रकट करना चाहते थे जो उनका नहीं रहा था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, जब मैं ऐसा सब सोच रहा था तब मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब बोलने की मेरी बारी थी। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू, मैंने क्या कुछ नहीं किया उस भयानक पार्टिसिपल्स को रूल को बोलने के लिए, मैंने क्या कुछ नहीं किया, ऐसा फ्रेंज कह रहा है। ड्रेडफुल भयानक रूल यानी नियम, भयानक क्यों हुआ, क्योंकि उसे फ्रेंच भाषा के बारे में इतनी जानकारी ही नहीं है और उसने तो एक अक्षर नहीं पढ़ा था उसका। वेरी लाउड एंड क्लियर, पूरा मैं स्पष्ट बोलूं, लाउड यानी तेज बोलूं, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना गलती के बोलूं, बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, लेकिन मैं तो शुरुआती शब्दों में मिक्सअप हो गया यानी कि उलझ गया, अटक गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मेरी डेस्क को पकड़े रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था तेज गति से। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की डेयरिंग यानी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं बोल पाया पार्टिसिपल्स के ऊपर। आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हेमल ने हमसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें स्कॉल्ड यानी रिबक करना, डांटना पटकाना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनम, आपको तो स्वयं को ही बहुत बुरा महसूस हो रहा होगा। सी हाउ इट इज, देखो क्या हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्स, हम रोजाना स्वयं से कहते हैं, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे मेरे पास अभी बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, आज देखो हम कहाँ आ गए हैं। आ देयर्स द ग्रेट ट्रबल विद अलसेस, अलसेस के साथ यही तो बहुत बड़ी ट्रबल यानी समस्या रही है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो हर सीखने की बात को कल के ऊपर डालती रही। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, आज वो लोग यदि कह रखते हैं तुमसे पूछने का कि तुम तो बड़े फ्रेंच के वासी बनते हो, फ्रेंच के लोग बनते हो, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, लेकिन आप न तो आपकी भाषा को बोल सकते हो और न लिख सकते हो, फिर आप किस प्रकार से फ्रेंच मैन होने का दावा करते हो। ये सब वो आपके विरोधी जिन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया है, आपसे पूछने का अधिकार रखते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन आप ही बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, छोटे बेचारे फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोक आवर सेल्स विद, हम सबको इस पर बहुत चिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की और पछताने की जरूरत है, हम सब इसके बराबर के दोषी हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जेस्ट इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी इस बात को लेकर
एंजियस यानी चिंतित नहीं थे, वो भी लापरवाह थे। दे प्रिपेयर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने भी प्रिफर यानी प्राथमिकता दी, तुम्हें खेत पर भेज दिया, मिल में काम करने भेज दिया, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ और धन कमा सके। और आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मेरे ऊपर भी ब्लेम लगाने की जरूरत है, मैं भी इसका दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वॉटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजा था? पढ़ाई के बजाय मैंने भी तुम्हें पानी देने के लिए भेजा कि पौधों को पानी दे के आओ, पढ़ने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं रोका, मैं भी दोषी हूँ। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे मछली पकड़ने के लिए जाना था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने आप लोगों को उस दिन छुट्टी नहीं दी? आपकी पढ़ाई का नुकसान किया और मैं मछली पकड़ने चला गया, यानी इसके लिए मैं भी बराबर का दोषी हूँ, ऐसा मिस्टर हेमल कह रहे हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनादर मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, जिस प्रकार एक से बाद दूसरी श्री हेमल फ्रेंच भाषा के बारे में चर्चा करते रहे, सेइंग डेट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और उन्होंने कहा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आ गई है, क्वेश्चन ये बनता है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर मिस्टर हेमल के विचार व्यक्त कीजिए। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि मिस्टर हेमल के क्या व्यूज थे, आप ये बताइए। तो ये है कि उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा मिस्टर हेमल के अनुसार सबसे सुंदर भाषा थी इन द वर्ल्ड, संसार की, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज़्यादा तार्किक। डेट वी मस्ट गॉड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज वेन अ पीपल आर एनसेल्ड, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एनसेल्ड यानी गुलाम बना लेना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो उनको होल्ड फास्ट यानी पकड़ बनाए रखते हैं उनकी भाषा के ऊपर, इट इज एज इफ दे हेड दे हेड द की टू देयर प्रिजन, तो उनके पास उनकी प्रिजन यानी जेल की चाबी होती है, अगर वो उनकी जो मदर टंग है, जो लैंग्वेज है, उस पर पकड़ बनाए रखते हैं। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, अंडरलाइन कर ले, ये उनका विचार था फ्रेंच भाषा को लेकर। देन यू ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब उन्होंने ग्रामर का को खोला और हमें पाठ पढ़ क्या बताया, एक पाठ पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood it. मैं बड़ा आश्चर्य में था, मुझे हर चीज़ कितनी अच्छे से समझ में आई, क्यों? क्योंकि आज उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ था? उस चैप्टर के ऊपर, उस लेसन के ऊपर, क्योंकि उसे पता लग गया था आज के बाद मुझे ये चीज़ नहीं मिलने वाली है, तो उसको अच्छे से समझ में आया। All he said seemed so easy, I think today I had never listened so carefully. उन्होंने जो भी बताया इतना आसान लगा कि मैंने तो कभी इतना ध्यान से कोई चीज़ सुनी नहीं थी। And date he had never explained everything with so much patience, और उन्होंने भी हर चीज़ को इतने patience यानी धैर्य के साथ explain नहीं किया था, नहीं समझाया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लगता था जैसे बेचारा व्यक्ति जाने से पहले हर चीज हमारे अंदर भरकर जाना चाह रहा हो। And to put it all into our heads at one stroke, हमारे heads यानी दिमाग में, heads दिमाग में एक one stroke यानी एक ही झटके में जितना भी वो जानता है पूरा भर के जाना चाहता हो, ऐसा हमें लग रहा था। तो यहाँ तक मैंने पढ़ाया है और इसको आप एक बार और रिपीट करें। अगले पार्ट में हम इससे संबंधित आपसे फिर क्वेश्चंस आपको बताएंगे, आपसे पूछेंगे। आप बराबर बने रहें चैनल के साथ में, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, थैंक यू।